नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। वैशाली जिले के सबसे बड़े सदर अस्पताल परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहां तक कि इमरजेंसी विभाग, इमरजेंसी वार्ड, शौचालय के आसपास, एचआईवी एड्स जांच केंद्र, पोस्टमार्टम हाउस के पास कचरा पर कुत्ते गंदगी को बिखरा रहे हैं। गंदगी के कारण मरीजों एवं उनके परिजनों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पोस्टमार्टम हाउस के पास गंदगी पसरी हुई है। इन समस्याओं से प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर एस के वर्मा का कहना है कि थोड़ा गंदगी है, उसे साफ सफाई हो जाएगी कहकर पल्ला झाड़ लिया। मालूम हो कि जिले के विभिन्न प्रखंड एवं आसपास के जिले के प्रतिदिन 1000 से अधिक विभिन्न बीमारियों का इलाज कराने के लिए लोग सदर अस्पताल पहुंचते हैं। इस सदर अस्पताल में सर एचआईवी जांच केंद्र है या आईसीयू है वहाँ, या अन्य जगह पर जल जमाव है सर, डेंगू का प्रकोप अभी बढ़ रहा है, तो साफ सफाई के लिए क्या मुकम्मल व्यवस्था है सर यहाँ पर? साफ सफाई के लिए एक एनजीओ है आउटसोर्सिंग हेल्थ लाइन, वो साफ सफाई करती है और ठीक से कर ही रही है सर जी। जगह जगह कचरा उचरा जल जमाव है, थोड़ा मोड़ा जमा होगा जी, काम ठीक से कर रही है, थोड़ा मोड़ा कहीं भी जमा होगा, क्या माना जाए उसको साफ सुथरा हो जाएगा सर? हाँ एकदम एकदम। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।